अस्सलामु अलैकुम। थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा, क्रीमी, क्रंची, हैदराबादी शादियों का बहुत ही ज़्यादा फेमस डिज़र्ट खुबानी का मीठा। बिरयानी खाने के बाद खुबानी का मीठा खाने की बात ही कुछ और होती है, इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही फेमस हैदराबादी डिज़र्ट खुबानी का मीठा। खुबानी का मीठा यानी एप्रिकॉट डेजर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो खुबानी। खुबानी देखें इस तरह से होती है। आधा किलो खुबानी 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो के इसे पानी में भीगने रख दें 8 से 10 घंटों के लिए। एप्रिकॉट्स यानी खुबानी आपको किसी भी सुपर स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। इसे 10 घंटों के लिए पानी में भीगने रखने के बाद इसका साइज डबल हो जाता है। और एक बात याद रख लें, आधा किलो खुबानी 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर पानी में हमें रखना है भीगने के लिए। ये पानी हम बाद में यूज करने वाले हैं खुबानी को गलाने के लिए। अब ये खुबानी हम दूसरे बाउल में निकाल के रख लेते हैं। ये पानी अब साइड में रख दें। इतने घंटे पानी में भीगने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हम इनकी जो बीज है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से बीज निकाल के अलग से रख दें और ये खुबानी अलग रख दें। ऐसे ही करके सभी बीज निकाल लें। खुबानी से तो बीज अलग हो चुके हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। अब एक वेजल जिसमें हमें खुबानी पकाना है यानी गलाना है, इसमें ये पानी ले लें जिसमें हमने खुबानी भीगने रखा था। अब इसमें ये खुबानी डाल दें, बीज निकले हुए खुबानी। अब इस वेजल को स्टोव के ऊपर रख दें और खुबानी को 15 मिनट के लिए बॉईल कर लें ताकि ये अच्छे से गल जाए। पहले फ्लेम को हाई पे रखिए और जब ये पकना स्टार्ट हो जाए यानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तब फ्लेम को हाई से थोड़ा कम रखिए, कम्प्लीटली मीडियम नहीं, हाई से थोड़ा कम। उसी में 15 मिनट के लिए बॉईल करें और जब तक खुबानी बॉईल होंगे हम बीज फोड़ लेते हैं। इस तरह से कपड़ा ले लें, धीरे से फोड़िए। देखिए इस तरह से अंदर एक बादाम निकलेगा, ये भी बहुत टेस्टी होता है। इस तरह से सभी बादाम निकाल के साइड में रख लें। देखिए इस तरह से निकाल लें। एक बाउल में थोड़ा सा गर्म पानी ले लें और ये बादाम इसमें डाल दें। 10 मिनट के लिए रख दें। छिलका निकालने में आसानी हो जाएगी, बिना छिलका निकाले भी खुबानी के मीठे में डाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल के भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है इस तरह से। देखिए इस तरह से बादाम के छिलके निकाल के रख लें। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, खुबानी भी हमारी गल चुकी है। अब इसमें शक्कर डाल दें। शक्कर इसमें ज्यादा जाती है, 400 ग्राम। अब फ्लेम को हाई पर रख के इसे फिर से पका लें। फिर से हम एक 15 से 20 मिनट तक पका लेते हैं। क्योंकि ये खुबानी थोड़ी सी खट्टी भी होती है इसीलिए इसमें शक्कर थोड़ी सी ज्यादा लगती है। खुबानी तो हमारे अच्छे से गल चुके हैं और ये जो सिरप है इसे ऐसे ही रहने दें, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा सिरप और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल दें और थोड़ा सा रास्पबेरी कलर, रेड कलर। देखिए ये और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये कलर ऑप्शनल है, इसे एक ऑथेंटिक लुक देने के लिए डाल रही हूँ क्योंकि शादियों में डाला जाता है। शादियों में जो खुबानी का मीठा बनता है उसमें डालते हैं। अच्छे से मिक्स करके फ्लेम बंद कर दें। बहुत ही मजेदार और जबरदस्त खुबानी का मीठा तो हमारा रेडी है। इसे कैसे सर्व करते हैं वो आपको दिखाती हूँ। है ना बहुत ही ज्यादा आसान डेजर्ट, आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, इसे बनाना बहुत आसान है। कमेंट में बताएं खुबानी का मीठे की रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल दें।
आप चाहें तो वेनिला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, यानी वेनिला आइसक्रीम साइड में या इस तरह से बीच में रख दें। आइसक्रीम के साथ अगर खाएंगे तो खुबानी का मीठा बहुत मजा आएगा। अब ऊपर से बादाम रख दें गार्निशिंग के लिए। खाते वक्त जब ये मुंह में आएंगे बहुत मजा आएगा, है ना, परफेक्ट खुबानी की रेसिपी यानी खुबानी का मीठा। आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, बहुत आसान है इसे बनाना, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है भीगने के लिए बस। ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल कुक विद फैम ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल सेलेक्ट कर लें। ईद के दिन इस डेज़र्ट को आप लोग ज़रूर बनाइए, बहुत मज़ा आएगा बिरयानी खाने के बाद।